जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में तेजी लाती जा रही है। इसी को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। इसी राह पर अब रालोद भी चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुटी है। लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने वाले हैं, अगर उनकी पार्टी द्वारा की गई मांगे पूरी नहीं होती। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि पार्टी ने योगी सरकार से प्रदेश में गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता तो रालोद 26 दिसंबर को यूपी विधानसभा का घेराव करेगी। बता दें कि आरएलडी ने अपनी इस मांग के लिए सरकार को 23 दिसंबर तक का समय दिया। अगर सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती तो 26 दिसंबर को जयंत चौधरी की अगुवाई में योगी सरकार के खिलाफ रालोद विरोध प्रदर्शन करेगी। इस तरह से रालोद अपनी रणनीति के तहत चुनाव से पहले योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। जानकारी के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रालोद किसान से जुड़े कई अलग अलग मुद्दे के जरिए सरकार को घेरने का काम करेगी। इस तरह से एक तरफ वो किसान को फिर लुभाने की कोशिश तो करेगी, साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए खुद को मजबूत भी करेगी। लेकिन अब 23 दिसंबर को सरकार रालोद की मांग को मानती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।